गाइस मैं स्टेज बोलूंगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रेड सॉस पास्ता। जिंदगी में मैंने कभी नहीं बनाया है खाना। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हो ना? जब से मैं रीवा मैम के साथ आई तब से नई नई डिशेस ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम तेल को गर्म होने देंगे। अभी मैंने देखिए बॉइल करके रख दिया है। देखिए अगर आप खांसे टच हो थोड़ा सा स्पंजी जब ये हो जाएंगे ना तो तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा लाल मिर्ची का हरी मिर्ची काटना भूल गई थी मैं। तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा रावत ब्लॉग्स। तो आज की शुरुआत हो चुकी है हमारे एक नए कुकिंग ब्लॉग के साथ और आज मैं बनाने जा रही हूँ रेड सॉस पास्ता। जिंदगी में मैंने दाल चावल तो कभी बनाए नहीं, आलू के परांठे मैंने कभी बनाए नहीं, सीधा ट्राई करने चले रेड सॉस पास्ता। आलू के परांठे बनाए थे जिस दिन बने नहीं थे। हाँ उस दिन बने नहीं थे तो मैंने थोड़ा सा तेल डाल के चेक करा है कि गर्म हुआ है कि नहीं हुआ है और मेरा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। और ये डाले मैंने इसमें, आप प्याज को अपने अनुसार काट सकते हो, मैंने कुछ बारीक काटे कुछ छोटे छोटे काटे। हमारे जिसे काटने में बना लग गया था पूरा चार, जिसे काटने में मुझे बना लग गया था। और मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ करा है, आप रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हो, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे सरसों का तेल का स्वाद लगता है। रुको जरा सबर करो। थोड़ा सा आज का सैलरी की कमी है। कैसा लगा मेरा मजाक? अंदर की बात बताऊं, सरसों का तेल रिफाइंड का तेल खत्म हो गया और अभी सैलरी हमारे भाई नहीं है। ऐसी बात नहीं है भाई, मैं खर्च से खर्चा ले लेती हूँ। और पिछले दिन नाने का रीजन है इन घी और संजय भैया की लड़ाई। हाँ बेकार है भैया, लेकिन मैं इतनी बेरहम नहीं हूँ कि मैं संजय भैया को नहीं दूंगी खाने के लिए, दे ही दूंगी थोड़ा सा खाने के लिए, क्या ही फर्क पड़ता है। पर इसमें देखिए आपको ना प्याज को अच्छे से भुनना होता है। मैंने ये रेसिपी कहीं पे भी नहीं देखी है, मेरी सेल्फ मेड रेसिपी है। बोला और आज आप हम सबको बहुत समय के बाद देख रहे होंगे क्योंकि जिस दिन रीवा मैम आई मैं उससे पहले दिन क्रिस्टल वर्ड से आई थी और मैं उनका वेलकम बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी, बट फिर भी मैंने हलवा बनाया था मैम के लिए और हलवा की रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई। हाँ क्योंकि मैम थक रहे थे बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो इस चक्कर से, लेकिन दोबारा जब हम बनाएंगे तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा है आज रीवा मैम के लिए मैं बिल्कुल हेल्दी रेड सॉस पास्ता बनाऊँगी क्योंकि वो बाहर नहीं खा सकते इसलिए। और देखिए यहाँ पे मेरा प्याज अच्छे से भून चुका है। इसके बाद मलाई थी टोमेटो की, मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो ये ज़्यादा ही शोर मचा रही है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मैं मेंशन कर दूँगी। हाँ मैम मेंशन कर देंगे। और टोमेटो की ग्रेवी को थोड़ा सा ठीक करने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये अच्छे से बोल्ड हो जाए। वैसे इसमें बहुत सारे लोग वेजीज को पहले ही ऐड कर देते हैं लेकिन मेरे पास वेजीज के नाम पे सिर्फ कैप्सिकम है तो मैं कैप्सिकम को बाद में यूज़ करूँगी। आप इसमें बीन्स भी यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ कैप्सिकम आप ऐड कर सकते हो, कॉर्न आप ऐड कर सकते हो, ब्रोकली आप इसमें ऐड कर सकते हो, बट मैं सिर्फ इसमें शिमला मिर्च ऐड करूँगी क्योंकि रियो मैम बहुत चूजी है खाने में, वो सारा खाना साइड कर देती है। देखिए कितना अच्छा रंग आ रहा है। और थोड़ा सा मैं फ्लेम को कम कर दूँगी क्योंकि मुझे मसाले ऐड ऑन करने हैं इसमें। मसाले क्या क्या ऐड करूँगी? मसाले इसमें सबसे पहले हमारा मिक्स मसाला, वैसे आप इसमें कोरिएंडर पाउडर टर्मरिक और रेड चिली भी आप ऐड कर सकते हो बट हमारे पास मिक्स है तो मैं मिक्स फ्लेवर इसमें ऐड कर रही हूँ। देन थोड़ा सा नमक, नमक की क्वांटिटी आप स्टार्टिंग में ही कम रखिएगा क्योंकि आप इसमें और मसाले भी ऐड करते हो, तो सिर्फ मैंने 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट इसमें ऐड करा है। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, देख लो। सुन लो मेरी, पहले गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर था पर ये बस सोचते हैं इंग्लिश नहीं आती, कभी कभी मुझे इंग्लिश बोलने का मौका मिलता है। हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी ग्रेवी कितनी सुंदर आई है और वर्ड यहाँ तो लाइट भी नहीं है भयंकर।
क्या करूँ मैं, राइट ही नहीं है। ठीक है, जब हम थोड़ा सा मसाले को अच्छे से मोल्ड अप कर देंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स। कम डालना, ठीक है, कम में डालिए मैम। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ऑरिगैनो, और ये डाला मैंने इसमें ऑरिगैनो, ताकि मेरे उसको फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। आइए बताऊंगी गाइस, इसमें हम और चीज़ें भी ऐड करते हैं। तो केचप, फ्रेश टोमेटो, क्योंकि हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं तो इसलिए इसमें हमें ऐड करना है रेड सॉस पर। और लग रहा गाइस इसलिए इंग्लिश कर पाऊँ अभी, चलो तो साइड रख देती हूँ। इसके बाद हम अरे समस्या है जिंदगी में। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे थोड़ा सा मेयोनीज, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। और आपने ये सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स उसमें भी देखे होंगे जब मैंने क्या बनाया था, मैं बनाई थी किसी चीज़ वेज टोफू की सब्जी, भाई बहुत अच्छी बनी थी, नो डाउट। ठीक है, अभी और देख सकते हैं गाइस, देखिए आया मेरा रॉन रेड सॉस पास्ता का रंग, देखो गाइस देखो। और रीमा मैम बताएगी कैसे टेस्ट है, ठीक है। बस देखिए थोड़ा सा मेरा हल्का सा फ्लेम तेज कर देंगे, ताकि थोड़ा सा मसाला अच्छे से भुन जाए। इसमें हमें अरे मानसेट वाले ने बनाया, जब मैं कोई काम दिल से करती हूँ तो अच्छा ही होता है, लेकिन कहीं जब मैं बेमन से खाना बनाती हूँ तो रीमा मैम को आप हो सकते हो। अपनी रेसिपी जरूर शेयर करना, कौन सी रेड सॉस मसाले वाली, क्या नाम था उसका, दही मसाला। हाँ दही मसाला गाइस, इसमें ना एक चीज़ ये होता है कि हमें जो हमारा मतलब कर्ची है ना, इसको हमें कंटिन्यूस चलाते रहना पड़ता है, क्योंकि जो मसाले हमने बहुत सारे ऐड करे ना वो लगे ना इस पर, क्योंकि हमें सिर्फ तब तक चलाना है जब तक हमारा मसाला अच्छे से मोल्ड अप ना हो जाए, ताकि हर चीज़ की क्वांटिटी और हर चीज़ का हमें टेस्ट अलग अलग लगे। और देख सकते हैं हमारा मसाला, ओह माय गॉड, मैंने आपको मिर्ची चढ़ाई। और ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड कर सकते हो, हल्का सा बस, बस इतना सा, ज़्यादा नहीं करना। और आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी का बहुत सुंदर रंग रूप आते हुए। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी, वैसे तो वेजीज हम लोग पहले ही ऐड कर देते हैं, बट मैं एट द एंड ऐड कर रही हूँ। ये मैं सोचना शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। और इसी के साथ हमारी बारी है ऐड करने की पास्ता की। चले क्या करे, लिचड़ नहीं मतलब क्या करे, क्या बोलते हैं मेरी रेसिपी, क्या गाड़ी देख तो मेरे आँखें फूट, क्या हुआ आग में थे पानी साफ कर। अरे नहीं मेरी आँखों ना इचिंग आजकल मुझे लग ही रहा। सो गाइस कढ़ाई छोटी हो गई, ट्रांसफॉर्म कर दूँ, पास्ता को अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग रेड सॉस डालेंगे, और चाहे तो आप अपने फ्लेवर के लिए, मैंने पास्ता मसाला लाई थी तो पास्ता मसाला में थोड़ा सा हल्का सा ऊपर डालूंगी, क्योंकि अंदर मैं ऑलरेडी सारे इंग्रेडिएंट्स डाल चुकी हूँ, तो बस बहुत हल्का सा मैं इसमें डालूंगी। देख सकते हो बहुत हल्का सा मैंने डाला है, ज़्यादा इस तरह डाला क्योंकि देखो मिर्च भी हो सकती है, और मैं ऑलरेडी मसाले अच्छे से पहले ही मैं मिक्स करके डाल चुकी हूँ। तो ये दिखने में तो काफ़ी सुंदर लग रहा, बाकी अब मैं टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसा बना है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो रियली ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी हो रहा था और बहुत अच्छा बना था।